नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो अलाइस ब्लू का डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उस पर आप कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले उसको डाउनलोड कैसे करना है और उस पर ट्रेड कैसे करनी है। देखो, बहुत सिंपल प्रोसीजर डाउनलोड करने का। आप अलाइस ब्लू ऑनलाइन डॉट कॉम खोलेंगे, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है जहाँ पे आपको डाउनलोड दिखेगा ये, या आप सिंपली आप डाउनलोड सर्च कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा बॉटम साइड में। उसके बाद आ जाएंगे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे। उसके बाद आपको करना है एंट डेस्क डाउनलोड, ठीक है? तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड आपकी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत छोटी सी फाइल है, डाउनलोड हो जाएगी तुरंत ही। बट देखो, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होके ये आइकन आ जाएगा, तो आपको ये डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में आपको अपनी आईडी फिल करनी है, आपको अपना पासवर्ड डालना है, तो जो भी आपका पासवर्ड हो वो आप डाल देंगे। उसके बाद जो भी आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद ये लोड होगा, पहली बार में भी थोड़ा टाइम लगाइए लोड होने में, ठीक है? तो देखो थोड़ा सा टाइम लगाएगा एक बार स्टार्ट होगा जब ये। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको स्क्रिप्ट कैसे ऐड करनी है और उसके बाद में ट्रेड कैसे करनी है। तो सबसे पहले ऐड करने का प्रोसीजर बताता हूँ मैं आपको। मैं सब डिलीट कर लेता हूँ अभी इस पर। सपोज सबसे पहले मैं बताता हूँ MCX का। मान लो MCX में आप कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो आपको पहले MCX सेलेक्ट करना है, फिर नॉर्मल फ्यूचर कमोडिटी FUTCUM, देन उसके बाद में आप जो भी ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ क्रूड ऑयल, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ एक बार प्लस कर दूंगा या एंटर मारूंगा तो भी हो जाएगा, या फिर मैं क्रूड ऑयल मिनी करना चाहता हूँ ऐड, उसके बाद प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा, मिनी भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप ऑप्शंस को लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, जैसे आप MCX के ऑप्शंस को ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं कॉपर का कोई ऑप्शन लेना चाहता हूँ 400 वाला, या जो भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आप देखिए आप ऐड करना चाहते हैं कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन में NFO में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर इंडेक्स करना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, या फ्यूचर स्टॉक करना चाहते हैं, या फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स करना चाहते हैं, या ऑप्शन स्टॉक करना चाहते हैं। तो देखो ऑप्शन इंडेक्स जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, ठीक है? ये सारे इंडेक्स होते हैं हमारे, निफ्टी आईटी निफ्टी और निफ्टी, ओके? तो मान लो मेरे को बैंक निफ्टी ऐड करना है, ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन ऐड करना है, मान लो मेरे को 25400 वाला, मैं प्लस कर दूंगा इसको तो ये ऐड हो जाएगा नीचे, देखो ऐड हो गया ये यहाँ पे बीच में। अब मान लो मेरे को ऐड करना है कोई स्टॉक का ऑप्शन, तो मैं जाऊँगा OPT ST के, देन मान लो मेरे को ACC का लेना है, PE लेना है 1460 का, तो मैं PE इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है? तो देखो ये तो ऐड करने का तरीका है। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब मान लो आपको NSE में कुछ ऐड करना है, मान लो मैं इक्विटी में एक्चुअली ऐड करना चाहता हूँ, मान लो SBI में ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे NSE नॉर्मल SBI इक्विटी, ये कैश पोजीशंस के लिए हो गया अपना। BSE में करना है तो BSE में कर लीजिए, MCX NFO जहाँ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आई होप ये तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। अब आपको बताता हूँ मैं ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो चलिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ इसको, सो दैट थोड़ा सा ईजी हो जाए आपके लिए। अब मान लो इसमें ऑर्डर जो होंगे वो होगा ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और रेगुलर ऑर्डर या MIS। तो देखो इन सब ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि हमें SL टारगेट हम एक बार में ही लगा देते हैं, तीन ऑर्डर अलग से नहीं लगाने की जरूरत पड़ती। तो मान लीजिए मैं जो है एक ये क्रूड ऑयल है इसको मैं सेल कर रहा हूं, तो देखो इसमें बहुत सारी शॉर्ट की भी होती हैं, या तो आप उनको यूज करिए या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करिए, जो हाईलाइटेड होगा दैट मीन्स वो सिलेक्टेड है। अब मान लीजिए मैं ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ सेल का, तो देखो शिफ्ट F4 से भी लगा सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट F4 से लगा के देखता हूँ एक बार, शिफ्ट F4, ये ऑर्डर विंडो खुल गई। उसके बाद में देखिए
मेरे को कितने लॉट करने हैं, किस रेट पे करने हैं। मान लो मेरे को करना है अभी 3894 पे करना है, वैसे थोड़ा रेट ऊपर है, वहीं पे हो जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ ये इस रेट पे हो जाए जो भी रेट चल रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वैल्यू नीचे नीचे की रख दिया उसमें। अब देखो आपको ये वाली जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, नहीं सिलेक्टेड है तो सेलेक्ट करिए। अब देखो इसमें एसएल टारगेट कैसे लगाते हैं, देखो स्टॉप लॉस बाय ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ बाय ये हो जाएगा आपका टारगेट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ 3824 का स्टॉप लॉस। 3824 का मतलब हो गया मेरा कि मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपली 30 फिल कर दूंगा। मैंने 30 फिल कर दिया, मेरा ऑलरेडी ऑर्डर, मेरा जो एसएल है वो लग जाएगा, जहाँ कहीं भी सेल होगा उसके 30 पॉइंट ऊपर लग जाएगा। मान लीजिए अभी जैसे 98 चल रहा है, बट मैंने कम का रेट डाला हुआ है, तो मेरा उसी रेट के अकॉर्डिंग ही एसएल लग जाएगा। और मान लीजिए मेरे को 45 पॉइंट का टारगेट लगाना है, तो 45 पॉइंट का, सॉरी 44 का लगाता हूँ। चलो मान लीजिए 44 का मतलब हो गया 3950, बट देखो 3950 नहीं होगा, वो जिस रेट पे सेल होगा उसके 44 पॉइंट नीचे टारगेट हो जाएगा, जिस रेट पे ये सेल होगा उसके 30 पॉइंट ऊपर एसएल हो जाएगा। तो देखो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ट्रेलिंग एसएल क्या होता है इसमें। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और 10 डाल देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये 10 पॉइंट नीचे जाएगा मेरे बाइंग, मेरे सेलिंग रेट से, जो भी मैंने जहां से एंट्री ली है उसके 10 पॉइंट नीचे जाएगा, वैसे ही मेरा एसएल उतने पॉइंट्स कम हो जाएगा। देखो कैसे समझेंगे आप इसको। मान लीजिए मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको कर दिया सबमिट, यानी मैंने इसको कर दिया सेल, ये सेल हो गया है। उसके बाद में ये पोजीशंस हमें दिखेंगी कहाँ पे, देखो ये पोजीशंस के अंदर जाके आप कैश पोजीशन, एडमिन पोजीशन के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो दिखाई देगा आपको। कैश पोजीशन के अंदर आपको कितना फंड है आपके अकाउंट में, ठीक है, ये आपको फंड की डिटेल दिखाई देगी। एडमिन पोजीशन के अंदर आपको दिखाई देगा क्या आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, और ट्रेड बुक के अंदर आपको दिखाई देगा क्या क्या ट्रेड आपके एग्जीक्यूट हुए हैं। ऑर्डर के अंदर क्या दिखाएगा आपको, एक तो पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको दिखाएगा जो भी आपके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए होंगे, कैंसिल हुए होंगे, रिजेक्ट हुए होंगे, वो सारी चीजें यहाँ दिखाई देंगी आपको कंप्लीटेड ऑर्डर के अंदर। तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने सेल किया था, मेरा सेल कहाँ पे हुआ था मैं कैसे पता लगाऊंगा, देखो मैंने जो रेट डाल रखे थे वो रेट यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे एवरेज प्राइस, यानी मेरा जो ऑर्डर सेल हुआ है वो हुआ है 96 पे, तो 96 से मेरे कितना पॉइंट का एसएल था, 30 पॉइंट का एसएल, तो वो हो गया मेरा 26 का, 3926 का एसएल हो गया, देखो यहाँ पे आ गया ये। और मेरा टारगेट क्या हो गया, 3852 का मेरा, क्योंकि 44 का हमने एसएल टारगेट रखा था, ठीक है, तो हमारा 44 वहां से आप घटा लो 96 में से, तो ये हमारा टारगेट हो गया। अब मान लो मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करके ओके करके मैं इसको सिंपली यहाँ पे कोई भी और वैल्यू फिल कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे ये करना है 22 का एसएल, तो मैंने 22 कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो कितने पॉइंट का था, 10 पॉइंट का। तो देखो वो कैसे काम करेगा, मेरा जो सेल हुआ है वो हुआ है 96 पे, जैसे ही रेट हमारे जो है इसके नीचे जाएंगे 10 पॉइंट, यानी 96 पे मैंने सेल किया था, जैसे ही 86 मेरे रेट जाएंगे वैसे ही मेरा एसएल ऑटोमेटिकली 10 पॉइंट कम हो जाएगा। मेरा एसएल जो मेरा 26 का एसएल था वो 16 का हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिक आपके एसएल को ट्रेल कर देगा, क्योंकि आपने ट्रेलिंग एसएल सेलेक्ट किया हुआ था वहां पे। तो अगर देखो मार्केट थी तेजी से गिरती तो शायद मैं आपको दिखा भी पाता, बट हाँ आप एक पॉइंट रख के देख सकते हैं कि हाँ वो ट्रेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो भी आप ट्रेलिंग में यूज करना चाहते हैं, जिस जो भी है आपके अकॉर्डिंग, वो आप कर सकते हैं। तो देखो अब आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, आपको जाना है ऑर्डर के अंदर, एडिट करना आ गया इनको, मॉडिफाई करना है एसएल टारगेट, देन आपको एग्जिट कैसे करना है ऑर्डर, यानी बुक कैसे करना है लॉस या प्रॉफिट। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में देखो नीचे हुआ एग्जिट का बटन, आप एग्जिट कर दीजिए, तो जो भी आपकी बाइंग सेलिंग थी वो आपकी बुक हो जाएगी। यानी मैंने 96 पे सेल किया था, 96 पे ही ये बाई हो गया, यानी यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ, ब्रोकरेज एंड टैक्सेज मेरे को लगेंगे। अब उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या करते हैं, कवर ऑर्डर के लिए हमें देखो सिंपली या तो हम यहाँ पे शॉर्ट की देखो शिफ्ट F3 दबा सकते हैं,
सॉरी कवर ऑर्डर के लिए हम दबा सकते हैं शिफ्ट F1 F2, बाई के लिए F1 शिफ्ट F1, और सेल के लिए शिफ्ट F2 दबा सकते हैं। तो मेरी को मान लो सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट F2 मैं सीधे प्रेस करके देखता हूँ। ध्यान रखिएगा मैंने मिनी पे सिलेक्ट कर रखा है, जो आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसी की विंडो खुलेगी। तो अब देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे को एक लॉट सेल करना है 3893 पे, और मेरे को क्या एसएल लगाना है, जो भी मैं एसएल लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ फिल कर दूंगा, और आपके एसएल की जो रेंज है वो इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे 3912 का एसएल, मैंने लगा दिया, मैंने इसको सबमिट करके यस कर दिया। आप चाहें तो देखो इसमें कोई और रेट भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मान लो आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे मार्केट पे करना चाहते हो तो ऑर्डर फिल करने की जरूरत नहीं है, बट आप लिमिट लगाना चाहते हो तो लिमिट लगा सकते हो यहाँ पे। मान लो मैं अभी मान लो मार्केट चल रही है 93, मैं 94 पे करना चाहता हूँ 3894, या आप और भी कहीं ऊपर करना चाहते हैं तो जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, यानी मेरा 3894 पे सेल हो जाएगा और 3912 का एसएल है मेरा। अगेन हम ट्रेड बुक में जाके चेक करेंगे कि हमारा सेल कहाँ पे हुआ है, सॉरी आप ऑर्डर बुक में कंप्लीटेड ऑर्डर पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ट्रेड बुक में केवल वही ऑर्डर दिखाते हैं जो कंप्लीट होते हैं, कैंसिल्ड वाले फिल्टर हो जाते हैं इसमें से ट्रेड बुक के अंदर। तो देखो मेरा कहाँ पे सेल हुआ है, एवरेज प्राइस क्या है मेरा, 3894 पे मेरा ये सेल हुआ है। ओके अब जो मेरा एसएल था वो कहाँ पे लगा हुआ है, ऑर्डर बुक के अंदर। अब मैं इसको देखो मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ जाके मैं इसको मॉडिफाई कर लूंगा। मान लीजिए मेरे को एसएल करना है ये 3908 का, तो मैंने मॉडिफाई कर दिया इसको। अब मान लीजिए मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि आपको सेल बाई कहाँ से करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे इसको यहाँ पे जाके एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि जो आपने बाई सेल लिया उसका प्रॉफिट लॉस कहाँ शो कर रहा है, M2M जो है आपको कहाँ दिखा रहा है MTM, ठीक है, मार्क टू मार्केट आपको कहाँ दिखा रहा है, देखो यहाँ दिखा रहा है, यानी मेरा 10 रुपये का ये कवर ऑर्डर में सेल हुआ था उसमें लॉस है, अभी तो देखो ग्रीन हो गया ये। एक्चुअली मैंने अभी एक वेव ट्रेडिंग के ऊपर भी वीडियो बनाई थी एलाइस ब्लू की, तो 10 रुपये का लॉस वहां पे हो गया था, ये इक्विटी में कुछ प्रॉफिट था आज। तो देखिए ये सिंपली यहाँ पे दिखाएगा, जैसे देखो अभी दिखा रहा है 10 रुपये 0 हो गया, और देखो -10 हो गया, यानी वो वहीं एक पॉइंट पे घूम रहा है, जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा यहाँ पे वो मार्क टू मार्केट आपको दिखाएगा साथ के साथ में। तो यहाँ पे आप अपना लाइव प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, क्या क्वांटिटी आपकी है, नेट क्वांटिटी क्या है आपकी, -1, यानी अभी भी आपका एक लॉट माइनस में पड़ा हुआ है। आज आपने क्या किया है, अभी तक मैंने कवर ऑर्डर में एक बाई कर चुका हूँ मैं, और दो मैंने सेल किए, तो मेरा अभी एक बच रहा है, यानी अभी मेरा एक सेलिंग पोजीशन अभी मेरी अलाइव है। मान लीजिए मैं इसको अब बुक करना चाहता हूँ, प्रॉफिट को, प्रॉफिट या लॉस जो भी है मैं इसको बुक करना चाहता हूँ, आप इस ऑर्डर को सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे एग्जिट, ठीक है, मेरा जो है 3896 पे ये बुक हो गया, यानी मेरा 2 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। मैं एडमिन पोजिशन के ऊपर चेक करूंगा तो -30 रुपये, यानी मतलब 20 रुपये का इस पोजिशन पे लॉस हो गया, 10 रुपये का पहला लॉस था। ओके तो इसको एग्जिट करना, प्रॉफिट बुक करना, सिंपली जो आपका एसएल होता है उसको आप हटा दें। आप सोच रहे होंगे टारगेट कैसे लगाना है इसमें, तो इसमें यही एक प्रॉब्लम होती है कवर ऑर्डर में कि टारगेट नहीं लगाते हैं, लगा सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर क्या फायदा होता है कि एक बार में आपका एसएल लग जाता है, टारगेट लग जाता है, और एसएल ट्रेल भी हो जाता है, और उसके साथ साथ में अगर आपका टारगेट हिट होता है तो एसएल हट जाता है, एसएल हटता है तो एसएल हिट होता है तो टारगेट हट जाता है, और एसएल टारगेट हिट होता है तो एसएल हट जाता है। उसके बाद में आते हैं आपके नॉर्मल और एमआईएस ऑर्डर। सिंपली मैं क्या करूंगा, ये F1 F2 वाला चूज कर लूंगा कुछ भी। तो देखो मेरे कीबोर्ड में F1 के लिए मेरे को FN के साथ की दबानी है, तब मेरा F1 प्रेस होगा, तो मैं FN के साथ में मैंने F1 दबा दिया। मे बी आपके कीबोर्ड पे सीधे F1 हो तो आप दबा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या रहता है, या तो आप नॉर्मल में लेना चाहते हैं या एमआईएस में। नॉर्मल का मतलब है कि जो पोजीशंस आपकी कटेगी नहीं जब तक आप उसको काटेंगे नहीं, या ब्रोकर नहीं काटेगा, फंड शॉर्टेज की कंडीशन में ब्रोकर भी काट सकता है आपकी पोजीशन को। और एमआईएस का मतलब है जो भी आपकी इंट्राडे टाइमिंग होती है आपके ब्रोकर की, जैसे अलाइस ब्लू में जो टाइमिंग है वो 11:20 है रात के 11:20 तक MCX के ऑर्डर, और 3:20 तक इक्विटी वाले ऑर्डर चलते हैं इसमें।
एमआईएस का मतलब देखो सिंपली यही मतलब है कि आपकी जो भी पोजीशन है वो इंट्राडे की होगी और नॉर्मल की आपकी डिलीवरी होगी। नॉर्मल अगर आप कोई भी होल्डिंग करना चाहते हैं, कुछ भी बाई सेल करना चाहते हैं, होल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल में बाई करेंगे उसको। उसके बाद में आप कहाँ बाई करना चाहते हैं, लिमिट पे करना चाहते हैं, मार्केट पे करना चाहते हैं। अभी मैं पोजीशन ले रहा हूँ तो मैं लिमिट पे करूंगा या मार्केट पे करूंगा? तो मान लीजिए मैं फिलहाल के लिए मार्केट पे करना चाह रहा हूँ। लिमिट का मतलब है लिमिट सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ मेरे को रेट डालना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरे को रेट डालना पड़ेगा। मान लो मैं लेना चाहता हूँ इसको 95 पे, उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, बाई कर दूंगा, तो ये सबमिट कर दूंगा तो ये बाई हो जाएगा। अब देखो सेम सिचुएशन, अगर मान लीजिए आप इसका एसएल लगाना चाह रहे हैं तो एसएल आपको कैसे लगाना है? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसका टारगेट कैसे लगाना है। देखो मैंने बाई किया है, ये मैं बाई कर रहा हूँ 3895 पे। अब मैं इसका लगाना चाहता हूँ टारगेट। टारगेट लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो बाई का टारगेट और एसएल होंगे जो सेल के, तो मैंने बाई किया है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल का ऑर्डर ओपन करूंगा F2 दबा के, मेरा FN के साथ दबाया मैंने। तो मान लीजिए मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, टारगेट हमेशा लिमिट में ही लगेगा, ठीक है? आपको लिमिट चूज करना है यहाँ पे, और आपने जो बाई किया है, मान लो बाई आपने नॉर्मल में किया है तो आपको यहाँ नॉर्मल सेलेक्ट करना है, और अगर आपने MIS में किया है तो आपको MIS सेलेक्ट करना है। तो सपोज मैंने इंट्राडे के लिए ही बाई किया था MIS में, तो मैं यहाँ पे MIS सेलेक्ट कर लूंगा, बट मैंने नॉर्मल में किया था तो मैं यहाँ नॉर्मल करता हूँ। मान लीजिए मेरे को टारगेट लगाना है 3922 का टारगेट लगाना है, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए ये आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे ऑर्डर विंडो में दिखाई लगा, देखो रिजेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि देखो मैं इस अकाउंट पे MCX ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये मार्जिन शॉर्टेज की वजह से रिजेक्ट हो गया है। वैसे ही मैं उसको एडिट करके टारगेट को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे अभी हम उसके कर रहे थे मॉडिफाई। SL कैसे लगाना है ये थोड़ा बारीकी से जानिए। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि क्रूड 3925 पे था जब मैंने गिरेगा नीचे, और देखो काफी गिर भी गया 40 पॉइंट अप्रॉक्स। अब देखो आपको SL कैसे लगाना है, जब आपने बाई किया हुआ है तो बाई का SL आप कैसे लगाएंगे, सेल करके, यानी सेल का ऑर्डर ओपन करना पड़ेगा आपको बाई का SL लगाने के लिए। सिंपली आप यहाँ से बाई सेल भी चेंज कर सकते हैं, अगर गलती से आपने F1 दबा दिया जबकि आपको सेल करना था, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको SL कैसे लगाना है, ध्यान रखिएगा आपने अपना बाई किस ऑर्डर में, प्रोडक्ट टाइप क्या है आपका, बाई करते समय नॉर्मल है तो नॉर्मल ही सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है SL, कितनी क्वांटिटी थी। बहुत बार होता है हम जैसे 4 लॉट सेल कर दिए, SL लगाते समय हम एक ही लॉट के लिए SL लगा देते हैं, तो आपका केवल एक लॉस में, एक लॉट में प्रॉफिट बुक होगा या लॉस बुक होगा। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप भी सेम रखना है, यहाँ पे क्वांटिटी भी सेम रखनी है। तो यहाँ पे मान लो मैंने 4 लॉट किए हुए तो मैं 4 भरूंगा, लेकिन मैंने अभी एक किया था तो मैं एक भरता हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले SL आप क्या लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं लगाना चाहता हूँ 3855, और मैं यहाँ प्राइस क्या फिल करना चाहता हूँ, प्राइस फिल करना चाहता हूँ यहाँ पे। प्राइस मेरे को क्या फिल करने पड़ेंगे, इससे कोई भी एक नीचे का ऑर्डर, क्योंकि मैंने बाई किया हुआ है तो ये वाला जो वैल्यू है इससे कम होनी चाहिए, अगर ये सेल होता तो ये वैल्यू ज़्यादा होती। देखो अगर मैं इसको गलत भी डालूंगा तो ये लेगा नहीं मार्केट, कुछ ना कुछ एरर बता देगा। मान लीजिए मैं इसको फिल कर देता हूँ 3865, तो इसको लेगा नहीं, ठीक है? ट्रिगर प्राइस कैन नॉट बी लेस देन लिमिट प्राइस। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, ये वाला रेट जो है थोड़ा सा इससे कम रखना है, मान लो 45। और इसमें देखिए हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा रखिएगा, कभी कभी क्या होता है हमने यहाँ 55 डाला, यहाँ पे हमने डाल दिया 52, और रेट तेजी से गिरे, रेट जो है 58 के बाद में सीधे ही 48 दिखे या 47 दिखे, मतलब इस रेंज के बीच में या इस रेट के ऊपर प्राइस आया ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा एसएल ट्रिगर्ड नहीं होगा। तो हमेशा इस वाली रेंज को थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, सो दैट ये प्रॉब्लम कभी आपके साथ ना हो, कि कभी कभी होता है आप बहुत छोटी रेंज डाल देते हो, मान लो यहाँ डाल दिया 55 या डाल दिया 54, जबकि रेट जो है 56 के बाद में सीधे 52 दिखे, और ये वाला रेट आया नहीं, मार्केट बहुत शार्पली गिर गया, तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। आपको लगे एसएल हिट हो गया, लेकिन एसएल हिट नहीं होगा, क्योंकि आपने रेंज बहुत छोटी डाली हुई है। बेबी आप ब्रोकर को भी ब्लेम कर दो कि मैंने तो एसएल डाला हुआ था, लेकिन समटाइम्स गलतियां होती हैं नए लोगों से, तो हमेशा इस वाली वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंस बना के रखो इनको। तो मान लो मैं यहाँ फिल करूंगा 40, 15 पॉइंट का डाल देता हूँ, कभी कभी क्रूड 20 20 पॉइंट एक साथ जंप कर देता है इन्वेंट्री के टाइम पे या कोई न्यूज होती है, तो उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट कर देना है ये। वैसे ही अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ ऑर्डर में जाके
और यहाँ पे होगा, यहाँ जाके फिर मॉडिफाई करेंगे उसको सेलेक्ट करके, और जो भी है उसको मॉडिफाई कर देंगे आप अपने अकॉर्डिंग। तो और इसके अंदर देखो जो भी चीज़ है, क्या है इसमें फाइल के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा जरूरी जोन नहीं है। क्या है ऑर्डर के अंदर, बाई सेल एंट्री और वही सब है, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये बेसिकली वैसे ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने आज ही कोई ऑर्डर लगा के रख दिया, मैं चाहता हूँ कि कल एक SBI ऊपर से गिरेगा, तो मान लो फ्यूचर में मैंने कोई एक पोजीशन बना दी कि सेल SBI में जो है 372 पे, सॉरी 272 पे मैंने कोई एक सेल लगा दिया, तो मतलब मैं कल के लिए आज ही ऑर्डर लगा के रख सकता हूँ। तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर होते हैं, बाई सेल जो भी आप लगाना चाहते हैं। बेसिकली इनका इतना यूज नहीं करता कोई भी ट्रेडर। एडमिन पोजीशन के अंदर आपको वही प्रॉफिट लॉस दिखाएगा आपका, और जब भी आप इसको एग्जिट करेंगे ना, जब भी आप इसको बंद करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें, जब भी आप इसको बंद करेंगे तो हमेशा सेव करिएगा, ठीक है। डू यू रियली वांट टू एग्जिट, सेव द मार्केट वॉच, यानी जो भी आपने ऐड किया हुआ है मार्केट वॉच के अंदर वो सारा कुछ सेव हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको यस कर देंगे, ओके। क्योंकि मैं जैसा पहले चाहता था वैसा मैं चाहता हूँ। और देखिए कुछ ऑफर्स हैं जो कि टेलीग्राम के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।